अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फरहान रशीद। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी, तमाम जगह पे जो है बातें जो भी है फरहान रशीद मुस्लिम ब्लॉगर के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में तो आगे चर्चा होती रहेगी। आईएमए की अपडेट भी इसी वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। खास बात आज का एपिसोड ये है, यूटी खादर को लेकर के है। यूटी खादर के बारे में भी बात करेंगे, आईएमए की अपडेट भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आज 28 मई 2023 है। रमजान के महीने में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएमए की अपडेट आपको ये है कि आपको जो है पैसा जो है तकरीबन आसपास 80 करोड़ के आसपास जो है पैसा रिलीज होगा और चंद आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा जो है उनके अकाउंट में मिल जाएगा ईद से पहले। ये हमने पहले बताया था और हमने ये भी बताया था कि गारंटी नहीं है लेकिन उम्मीद है, हमारी कोशिश जारी है। उसके बाद हमने रिजवान अरशद शिवाजी नगर के एमएलए को ट्वीट किया था। ट्वीट करने के बाद जो है रिजवान अरशद का जवाब आया। रिजवान अरशद गए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर से मिले और उनका जवाब भी आप लोगों के सामने पेश किए। उसके बाद इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया। यही वजह थी कि आईएमए के पैसे जो है रिफंड होने में रुकावट आ गई। अब आगे क्या है इसको देखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। पहले मैं आता हूं यूटी खादर के बारे में। कांग्रेस को मैं बहुत बड़ी बधाई देता हूं और खुसूसन जो है यूटी खादर साहब को मैं जो है बहुत बहुत जो है बधाई देता हूं, पूरी कौम की तरफ से, पूरे कर्नाटका की आवाम की तरफ से, कि वो कर्नाटका के असेंबली के स्पीकर बन चुके हैं। बहुत अच्छा चेहरा है, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है जो मुझे जो है अच्छा लगा। यूटी खादर एक बहुत अच्छे इंसान है, नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन है। इन्होंने कभी मजहब को जो है सियासत में मिक्स नहीं किया, मजहब अपनी तरफ रखा, सियासत अपनी तरफ रखा, इंसानियत जो है उसको बरकरार रखा। ये नीट एंड क्लीन है, पॉलिटिशियन है। ये औरों की तरह जो है गिड्डों की तरह जो है बेखौफी के काम नहीं करते, बेखौफी के स्टेटमेंट्स नहीं देते, चालबाजी नहीं करते। बहुत ही अच्छे दिमाग से सोच समझ के हिकमत के साथ चलने वाले इंसान हैं। तो यही वजह है कि मुझे लगता है कि यूटी खादर को स्पीकर बनाना कांग्रेस का जो है कर्नाटका की सियासत में सबसे पहला और ये शायद ही कोई आखिरी फैसला होगा जो सबसे अच्छा फैसला है। इससे बड़ा फैसला तो वो कर ही नहीं सकती। गलत फैसला जो किया है वो चीफ मिनिस्टर के को लेकर के है, क्योंकि सीएम का अभी प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हैं उनका नाम उतना खास जो है कुछ लोगों के जो है माइंड में अच्छा नहीं है। मतलब उनका इमेज उतना खास अच्छा नहीं है जितना कांग्रेस सोचती है। बहुत सारे लोग प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के ऊपर नाराज़ हैं, वो आगे मैं वक्त आने पर इन चीज़ों का खुलासा करूँगा। फिलहाल जो है यूटी खादर को बधाई देते हुए मैं आईएमए की अपडेट की तरफ पहुंचता हूं। दोस्तों, आईएमए का पैसा जो है बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। हो सकता है कि मेरे वीडियो निकलने के कुछ ही दिनों में जो है आपके पास पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों में आपको पैसा जो है आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वालों ने भी वीडियोस निकाले हैं, उनके लेटर्स निकाले हैं, फोटो तस्वीरें आपके सामने आए हैं, कुछ और यूट्यूबर्स भी आपके सामने आए हैं उनके तरफ से, उनको जो कहना था वो कह चुके हैं। अब सवाल ये है कि कुछ जो नेगेटिव सोच रखने वाले हैं और जो है फरहान रशीद को गालियाँ देने वाले हैं उन लोगों को सबसे पहले मैं जवाब दे देता हूँ। जो फरहान रशीद को गालियां दे रहे हैं कि फरहान रशीद ने बताया था कि ईद से पहले पैसा आ जाएगा, दिया नहीं, फरहान रशीद चोर है, फरहान रशीद पैसा अभी तक नहीं दिया। अरे फरहान रशीद को आप लोगों ने पैसा नहीं दिया था, सबसे पहले ये बात सुन लो। आपने चोर मंसूर खान को पैसे दिए थे, फरहान रशीद सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, वॉलंटरली खिदमत करने के लिए आपके सामने आया है, सिर्फ आपको अपडेट दे सकता है, फॉलोअप दे सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है।
और दूसरी बात, फरहान रशीद के वीडियो देखने से आपको कभी पैसे नहीं आएंगे, जिंदगी भर नहीं आएंगे। ये आप लिख कर रख लीजिएगा कि फरहान रशीद के वीडियो अगर देखते रहोगे और वो वीडियो देख के खुश होते रहोगे तो जिंदगी भर आपको जो है कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, फरहान रशीद जो बोलता है, वो बोलता है कि ट्वीट करो, ट्वीट का रीट्वीट करो, ट्विटर में थोड़ा हंगामा करो, या सड़क पर आओ प्रोटेस्ट करो, या कुछ और काम करो, लेटर लिखो, ईमेल लिखो, व्हाट्सएप करो, यूट्यूब में जाके कमेंट्स करो, दूसरे चैनलों में जाके प्रेशर डालो, अगर आप लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका पैसा जरूर आएगा। फरहान रशीद के एक वीडियो बनाने से आपके पैसे आ जाएंगे, ये गलतफहमी पहले आप उसको दूर कर दीजिए। फरहान रशीद का कुछ है, कुछ हद तक उसकी चलती है, कुछ डर बनाया है, चाहे वो सियासत की दुनिया में हो या कुछ किसी और चीजों में हो, थोड़ा बहुत उसकी चैनल की चलती जरूर है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप घर में बैठे रहेंगे और चने चबाते रहेंगे और आपके पैसे आ जाएंगे, वीडियो देखते रहेंगे, पॉपकॉर्न खाते रहेंगे, फरहान रशीद का वीडियो देख के एंजॉय करते रहेंगे, खुश होते रहेंगे कि मेरा पैसा अकाउंट में आ जाएगा, फरहान रशीद ने बोला। तो ये बड़ी बेवकूफी आपकी है, ये बड़ी जो है सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी है। फरहान रशीद जो बोलता है वीडियो में आपके सामने आके, उन चीज़ों को गौर से सुनिए, अच्छी चीज़ों को लीजिए, बुरी चीज़ों को निकाल कर फेंकिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको फॉलो करिए, और जो गाइडलाइंस मिलती हैं ट्वीट पर, फलाने फलाने दिन आइए, सब लोग इकट्ठा होइए, ट्विटर पे ट्वीट करिए, तो आप लोग ट्विटर पे ट्वीट करिए, ट्विटर में साथ दीजिए फरहान रशीद का, या तो फरहान रशीद कहता है कि प्रोटेस्ट में फलाने दिन फलाने जगह आप लोग जमा हो, इकट्ठा हो, और आप जो है तब जाके फरहान रशीद का साथ देंगे तो आपका पैसा जो है ज़रूर निकलेगा। अब बात आती है कि जेन्युइन अपडेट क्या है। न्यूज़पेपर में कभी छपता है 70 करोड़, कभी 69 करोड़, कोई कहता है कि स्पेशल ऑफिसर ने हमें रिटर्न में लेटर दिया है 69 करोड़, कोई कहता है 80 करोड़। इस बात की हकीकत क्या है? ये हकीकत आप लोगों को कोर्ट के ज़रिए ही अपडेट मिल सकती है। कोर्ट से बहुत जल्द जो है लेटर रिलीज होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ जो है कुछ लोग शैतानी ताकतों ने जाके जो है, देखिए अभी क्या होता है, कोई एक सामाजिक कारकुन है, यानी कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, या एक एनजीओ है, या कोई एक पॉलिटिशियन है, या कोई भी है, तो थोड़ा बहुत जो है बुनियाद को हिला सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं स्पेशल ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। बिल्कुल वही हुआ इस IMA के केस में। जब ऐन मौके पे जब पैसा रिलीज होना था, उस समय जो है कुछ फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वालों ने लेटर हेड में कुछ लेटर लिख करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंप्लेंट ये दिया है कि इसमें कुछ घोटाला हो रहा है, आप जिस तरीके से पैसे बांट रहे हैं ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, इसको चेंज करिए। और कुछ हंगामा भी हुआ कुछ पॉलिटिशियंस का, चोर पॉलिटिशियंस का कुछ जो है वहाँ पर प्रेशर भी पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पिछली बार जो फैसला लिया था, कोर्ट से ने से जो ऑर्डर आया था उसको नज़रअंदाज करते हुए फिर से जो है कोर्ट के पास जा कर के अपील करने के लिए गई है। अब उन्होंने एक इतना ही काम नहीं किया है, इन्होंने कुछ और गिनोने काम भी किए हैं कुछ फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वालों ने, कि चंद IMA के इन्वेस्टरों के चंद IMA के इन्वेस्टरों के वो क्या कहते हैं IMA का जो वो क्लाइंट नंबर होता है, वो नंबर्स लेके उन नंबरों को जो है अपने एक्सेल शीट में डाल के एक फाइल बना के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये दिया कि इन 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 लोगों का पैसा रिलीज होना है, ये बहुत मजबूर है। हो सकता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर ने वो लेटर ले लिया हो, इसका मतलब ये नहीं है, आप ये गलत फहमी में ना रहें कि फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वालों, अगर आप लेटर हेड में ऐसा अगर अपील करते हैं कि जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको जो है चंदा देते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा, आप ऐसा जो है कुछ घिनौना खेल खेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो हो नहीं सकता, कोर्ट इसकी मंजूरी नहीं देगी। हो सकता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपकी बात को ले लिया हो, बस फाइल लेके उधर रद्दी बना के बाजू में टेबल में फेंक दिया हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पब्लिक से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप चाहे कान इधर से पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो या कैसे भी पकड़ो,
आपका काम कोर्ट कानून के दायरे में जिस हिसाब से आपका पैसा देना चाहिए उसी हिसाब से पैसा आएगा। कल का दिन ऐसा नहीं होगा कि फरहान रशीद इन्वेस्टर है, फरहान रशीद यूट्यूब में इतना हंगामा कर रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, तो उसका पैसा पहला आएगा। नहीं आएगा। कोर्ट को जो लगता है कि सही फैसला, ये बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, इनका पैसा ही पहले जाना चाहिए, उस हिसाब से ही पैसा देगा, ना कि किसी रेकमेंडेशन या फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वालों की चालबाजी के जगह से किसी चोर पॉलिटिशियन से जो है प्रेशर डालवा के पैसा निकलेगा। ये जो गिनोनी हरकत हो रही है, इस गिनोनी हरकत को पहले ये फैब्रिकेटेड एसोसिएशन वाले रोक देना चाहिए। और बाकी पब्लिक जितने भी आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं, आपको अगर फॉलो नहीं करना है फरहान रशीद को, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैब्रिकेटेड एसोसिएशन को फॉलो करना है शौक से करिए, या किसी और एसोसिएशन या किसी नौटंकी कुमार किसी लोचा मुक्ता के पीछे भागना है, शौक से जाइए, लेकिन आखिर में चाहे फरहान रशीद, चाहे नौटंकी कुमार, चाहे लोचा मुक्ता, चाहे फैब्रिकेटेड एसोसिएशन या कोई और बेखौफ काला कौवा है, कोई भी आपको जो है कुछ भी कर ले, जो कोर्ट फैसला करेगा आखिर वही होने वाला है। हम सिर्फ इंसाफ के तरफ जो है आपको लेकर चल सकते हैं, आपके साथ धोखा ना हो उसको रोक सकते हैं, और वही मैं काम करता रहा हूं। आपके साथ धोखा ना हो इसलिए मैं आज तक जिंदा हूं, और आप लोगों को जो है बार बार जो है जो भी खतरे की घंटी रहती है, जो भी परेशानी आनी रहती है, वो आप लोगों को पहले से वक्त से पहले ही बता देता हूं अपने YouTube चैनल में आकर के। इस बार भी मैं वही काम कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक बात याद रख लीजिएगा, फिलहाल पैसा जब बैंक अकाउंट में आएगा वही दिन सही दिन है जिस दिन आपका पैसा आया है। फरहान रशीद बोलेगा नेक्स्ट वीक पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई दूसरा फलाना बोलेगा नेक्स्ट वीक पैसा आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। कोई फरहान रशीद आपको ये बोलेगा कि फलाने आदमी फलाना पाशा, फलाना अहमद, फलाना मोहम्मद को पैसा आज मिलने वाला है, ये गलत है। कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। ये जरूर है पैसा बहुत जल्द आपके अकाउंट में आने वाला है, बहुत जल्द। कुछ कानूनी का पेंडिंग है जिसकी वजह से पैसा जो है रुका हुआ है। अब रही बात, कुछ लोग 70 करोड़, कुछ लोग 80 करोड़ फिगर बता रहे हैं, इसमें क्या सच है, इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। इसके ऊपर से हमारे तरफ से, फरहान रशीद फाउंडेशन के जानिब के तरफ से जो है हमने कुछ जो है जवाबात पूछे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं, हमने RTI डाला है, उसका जवाब मिलने के बाद आप लोगों के सामने उसका पूरी की पूरी जो है तफसीली रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। या तो हमारी RTI की रिपोर्ट हमें वापस जो है हमें रिप्लाई में मिल जाए, या तो हमें जो है कर्नाटका की स्पेशल कोर्ट से जो है केस की हियरिंग से कोई ऑर्डर कॉपी निकल जाए, तो हम आपको जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, सारी तफसीली बात आपके सामने रख देंगे। अब रही बात दूसरे पैसों की, बाकी के पैसे कब आएंगे, फरहान रशीद भाई छोड़िए, 70 करोड़ आएंगे, 80 करोड़ आएंगे, आजकल में आ ही जाएंगे, आपने बता दिया, हमें आपके ऊपर भरोसा है, तो बाकी के पैसे भी बहुत जल्द आएंगे। चोर मंसूर खान नाटक बहुत कर रहा है। अब डर ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन है। हमारा कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर वो है जिसका चेहरा कहीं ना कहीं IMA के चोर मंसूर खान के साथ भी बहुत बार दिखाई दिया है। अब यहाँ पे फिर हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात का जो है सोचना जरूरी है, इस बात के ऊपर गौर करना जरूरी है। क्या हमने चाबी जो है चोरों के हाथ में दे दिया है, या हमारा फैसला सही है इलेक्शन के टाइम पे, ये हमें आगे वक्त ही बता पाएगा। लेकिन वक्त के नजाकत को देखते हुए इलेक्शन के दौरान हमें BJP को जो है हराना हमारा मेजर मकसद था, तो उस मकसद में हमें थोड़ा IMA के मसले को नजरअंदाज करना पड़ा। अब इस मसले को, ये अब नई परेशानी जो हमें आई है, अब जो IMA के लिए जो आने वाली नई परेशानी होने वाली है, इसको कैसे हम टैकल करें, हम कैसे जो है मेहनत करें, कैसे अपना पैसा वापस निकालें, इस बात पर मैं गौर कर रहा हूं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और सारी बातों का खुलासा करूंगा, हम इसमें कैसे जो है जीत हासिल करेंगे, क्या हमें नुकसान वाकई में होगा,
या नहीं होगा। डरने की बात है तो कितना डरना है, कितना तकलीफ होगी, ये तमाम चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपके सामने तफसीली रिपोर्ट रखूंगा। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया। और हमारे इस YouTube चैनल फरहान रशीद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।